संभल में कई जिलों की औषधि विभाग की टीमों ने छापा मारकर नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है, जिसमें से 100 से ज्यादा कंपनियों की नकली दवाओं का जखीरा मिला है। टीम ने फैक्ट्री मालिक और उसके बेटे को मौके से ही हिरासत में ले लिया है, जिनकी निशानदेही पर फैक्ट्री के बाद गोदाम पर भी छापा मारा गया, जहां से अलग अलग कंपनियों के रैपर, डिब्बे, नशीली दवाएं, इंजेक्शन और प्रतिबंधित दवाएं बरामद हुई हैं। औषधि सहायक आयुक्त के अनुसार इन दवाओं की कीमत बाजार में 50 लाख रुपए से ज्यादा है। वहीं फार्मा मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल संभल में गुरुवार को मुरादाबाद मार्ग स्थित शहजादी सराय गांव में संचालित मैक्सन फार्मा नाम की आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली फैक्ट्री में नकली दवा बनाने की मुखबिर ने सूचना दी थी, जिसके बाद औषधि मुख्यालय मुरादाबाद ने एक स्पेशल टीम का गठन किया, जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग मुरादाबाद मुख्यालय से औषधि सहायक आयुक्त मुरादाबाद मंडल दीपक शर्मा के नेतृत्व में 6 जनपदों की एक टीम बनाई गई है। इस टीम में गौतम बुद्ध नगर के औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर, गाजियाबाद के आशुतोष मिश्रा, अमरोहा के राजेश कुमार, बिजनौर के उमेश भारती, मुरादाबाद की रूमिला वर्मा शामिल थे। जिसके बाद टीम ने फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई शुरू की, जहां फैक्ट्री मालिक तेज प्रकाश और उसके बेटे शुभम की मौजूदगी में टीम ने जांच पड़ताल शुरू की। इस दौरान वहां से एलोपैथिक दवा बनाने की 30 लाख की मशीन बरामद हुई है, साथ ही भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाएं, नशीली दवा, इंजेक्शन और प्रतिबंधित दवाएं भी मिली हैं, जो बिना लाइसेंस के बनाई जा रही थी। औषधि सहायक आयुक्त दीपक शर्मा ने बताया कि फैक्ट्री स्वामी के नाम सिर्फ आयुर्वेद की दवा बनाने का लाइसेंस है, लेकिन काफी लंबे समय से नकली दवाइयों का कारोबार चल रहा था, जिसकी शिकायतें मिल रही थी। फैक्ट्री स्वामी तेज प्रकाश ने पूछने पर बताया कि वो दवा बनाकर राम बिहार कॉलोनी में स्थित अपने गोदाम पर रखता है, जिसके बाद टीम ने गोदाम पर छापेमारी की तो 50 लाख रुपए से ज्यादा की दवाओं का जखीरा मिला, जहां 100 से ज्यादा ब्रांडेड कंपनियों के रैपर, डिब्बे और भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं मिली हैं। वहीं अब औषधि विभाग की टीम मिली दवाओं का स्टॉक दर्ज कर रही है, साथ ही फार्मा संचालक और उसके बेटे को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हम लोगों को मुख्यालय के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि शहजादी सराय में एक फैक्ट्री अवैध जो है एलोपैथिक औषधियों का नकली जो है निर्माण कर रही है। उसकी निशानदेही पर मुख्यालय ने टीम गठित की थी मेरे निर्देशन में, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर श्री वैभव बुपर, श्री आशुतोष मिश्रा गाजियाबाद, श्रीमती उर्मिला वर्मा मुरादाबाद, उमेश भारती बिजनौर और राजेश कुमार अमरोहा, रजत पांडे इटावा से गठित करके हम लोग मौके पर गए। तो वहाँ पर टीम ने, चूंकि उनको आयुर्वेदिक का लाइसेंस प्रदत्त था, लेकिन वहाँ मौके पर औषधियों, एलोपैथिक औषधियों की फॉइल वगैरह मिली। फिर उनके निशानदेही पर उन्होंने बताया कि हमारा माल यहाँ राम विहार कॉलोनी में जो इनका गोदाम है वहाँ पर हम पैकिंग करते हैं, इसकी सीलिंग करते हैं। उसके निशानदेही में जब यहाँ पर आए तो भारी मात्रा में अवैध औषधियाँ, नशे की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक, इंजेक्शन, उनके कैप, शीशी खाली, रैपर सब मिला। टीम जो है कार्रवाई कर रही है, मौके पर सीजर तैयार हो रहा है और लगभग जो है दवाइयों का नमूना लिया जा रहा है, जिसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी। अभी सीजर की कार्रवाई करने के पश्चात लगभग अनुमानित 50 लाख के ऊपर औषधियां सीजर हो रहा है, उससे ऊपर भी हो सकता है, अभी कार्रवाई प्रगति में है और उसके बाद हम लोग संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा। क्या कीमत होगी ये जो बरामद है? ये लगभग 50 लाख के ऊपर अभी संभावना है, अभी चल रहा है, थोड़ा बढ़ भी सकता है। 50 लाख के लगभग 50 लाख का मटेरियल हम सील कर चुके हैं, अभी कर चुके हमारे पास और भी मटेरियल है। इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ से ऊपर की जाएगी और मशीन की कीमत अलग। किस नाम से फर्म है? मैक्सन फार्मा के नाम से आयुर्वेदिक फर्म है इनकी, शहजादी सराय में।